वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन भिलाई 3 द्वारा भिलाई 3 के रेलवे ग्राउंड में छात्र छात्राओं को निःशुल्क आत्म सुरक्षा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण दिया गया। 10 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर का समापन चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन भिलाई 3 के द्वारा आत्म सुरक्षा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नगर निगम भिलाई चरोदा के वार्ड 13 की पार्षद श्रीमती देव कुमारी बल्लवी और वार्ड 14 की पार्षद श्रीमती शारदा लावेश कुमार के सहयोग से भिलाई 3 के रेलवे कॉलोनी ग्राउंड में किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 200 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिन्हें आत्म सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दी गई। वहीं 10 दिनों तक चले इस शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में निगम महापौर निर्मल कोसरे शामिल हुए, जहां वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन की टीम के द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात निगम महापौर ने प्रशिक्षित सभी बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किया, साथ ही शामिल सभी बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। ये भिलाई चरोदा में बहुत सौभाग्यक बात है कि छोटे छोटे बच्चों को सेल्फ डिपेंड होने के लिए यहाँ कराटा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन निःशुल्क किया गया, जो 10 दिन तक चला। और इसके लिए मैं जागरूक पार्षद जिनके कुशल मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग से हुआ, देव कुमारी भल्लावी और शारदा मदनकर जी, इनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और बच्चे यदि कराटे सीख गए तो आने वाला जो भविष्य है, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, असामाजिक तत्वों से स्वयं सुरक्षित रहेंगे और अपने साथियों को भी सुरक्षित रह सकते हैं। मैंने उनको कहा है कि आने वाले समय में हम लोग एक समर कैंप करें और न केवल भिलाई 3 चरोदा अपितु पूरे 40 वार्ड के बच्चे जो भी इंटरेस्टेड हो, इसके अलावा आसपास के बच्चे जो भी शामिल होना चाहते हैं वो आए। मैं इनको बधाई देता हूं कि अपने नाम को रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन हो, कराटा में भिलाई चरोदा की एक नई पहचान बने, इसीलिए मैं इनको शुभकामना और बधाई देने आया हूँ। इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे अनिल कुमार देवांगन ने बताया कि 10 दिनों के दौरान बच्चों को आत्म सुरक्षा से संबंधित गुर सिखाए गए, जिससे बच्चे आत्मनिर्भर हो सके। ये जो शिविर था वो 10 दिन का था और इस 10 दिन के शिविर में हम लोग बच्चों को सेल्फ डिफेंस करना, आत्मरक्षा कैसे करना है, कोई अगर रास्ते में हाथ पकड़ता है तो कैसे हमको बचाव करना है, और कोई अगर पैर पकड़ ले या कोई अगर बैग छीन के अगर भगता है या फिर कोई अगर पीछे से कोई पकड़ ले या कोई बाल पकड़ लेता है, तो इसमें बच्चों को कम से कम ये सिखाया गया कि अपने मतलब अपना खुद का जो आत्मरक्षा है वो कर सकें। और सेल्फ डिफेंस के वजह 10 दिन का हम लोग हमेशा रखते रहते हैं, हर साल एक बार 10 दिन का हम लोग सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग रखते हैं, जिसमें सभी बच्चों को आसपास के जितने भी वार्ड के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग लेते हैं और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। इन 10 दिनों में बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा रहा? इन 10 दिनों में बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया बच्चों में। और साथ ही साथ इस बार देखने को मिला है कि पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आज का जो समय है, इस समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हर एक बच्चों को, खासकर लड़कियों को, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, अपना आत्मरक्षा जो है वो खुद करना आना चाहिए। बच्चे सब यही कहें कि कहीं बाहर से भी आए? बच्चे यहाँ खुर्सीपार से लेकर के, पावर हाउस से लेकर के कुमारी तक के बच्चे हैं, खारून ग्रीन से कुछ बच्चे हैं, जोन 2 चरोदा BMY से कुछ बच्चे हैं, और साथ ही साथ रेलवे कॉलोनी ग्राउंड के और पंसिल नगर के। कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? लगभग टोटल 200 बच्चे हैं, समथिंग 200 स्टूडेंट हैं, जिसमें हमारे जो साथी हैं, हमारे मतलब टीम के, हम लोग जो टीम है, हमारे साथ साथ डोमिनिक सिंपाई हो गए, तरुण जामुलकर जी हो गए, हम लोग तीनों मिल करके यहाँ पे पूरे क्लास को, 5 क्लास हम लोग संभालते हैं और पूरा कुर्सी पार से लेकर के हम लोग पूरा कुमारी तक के, हम तीनों मिल के यहाँ पे क्लास जो है वो चलाते हैं और सिखाते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार देवांगन है और मेरे जो मित्र है, जो हमारे साथ में जो टीम है, उनका नाम है डोमिनिक पियर्स और साथ में तरुण जामुलकर जी है, जो हम लोग तीनों मिलकर के यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का एक मुहिम जो है वो चलाते हैं। बहरहाल इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी अपनी सहभागिता बढ़ चढ़कर निभाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।